Very good morning, childrens. Welcome to the online session of Sunrise English Medium School. Today we have to see our next chapter, chapter number 14, our neighbors in space. Neighbors means padosi, जो हमारे घर के बाजू में रहते हैं. Our neighbors in space. But यहाँ पे कौन से neighbors देखने हैं? In space, जो space में रहते हैं, जो आकाश में रहते हैं. ठीक है, उन neighbors के बारे में आज हमें इस chapter में learn करना है, देखना है. So just like people living close to our house are our neighbors. Means हमारे हाउस के एकदम पास में जो हाउस में लोग रहते हैं उनको हम नेबर्स कहते हैं. बट इन दिस सेंटेंस वी हैव टू सी अबाउट प्लैनेट एंड अवर सोलर सिस्टम. सो प्लैनेट एंड अदर हिवनली बॉडीज विच आर क्लोज टू द अर्थ आर अवर नेबर्स. हमारे अर्थ के पास जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हमारे अर्थ के क्या है? नेबर्स है, पड़ोसी है. सो इन स्पेस लेट्स लर्न मोर अबाउट देम. सो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? नेबर्स है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी सोलर सिस्टम, अबाउट द सोलर सिस्टम. एंड इन दिस सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स इज हेयर. सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है? टोटल 8 प्लैनेट्स. सो द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन. हेड ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन. और सबसे मेन हेड कौन है सोलर सिस्टम का? सन. सन इज द हेड ऑफ दिस सोलर सिस्टम. एंड मून एंड सन मेक द सोलर सिस्टम. किन दोनों से? दोनों ने, सन और मून ने, दोनों ने भी क्या बनाई है? सोलर सिस्टम. बट द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम इज सन. नाउ लेट्स स्टडी of this component about the solar system. So first of all we have to see the sun. Information about the sun. The sun is the head of the solar system and is situated its center. All planets revolve around the sun. All planets, these total 8 planets revolves around the sun. Now it is the huge ball of fire. Sun is the huge ball. Huge means bahut bada. Sun is the huge ball of fire. See in this picture. This is the fire. Fire means aag. And main sources of energy in the solar system. Aur pure solar system ko jo energy deta hai wo kon hai? Sun. Sun gives the solar energy from each and every planets. So first is Mercury. First planet name is Mercury. Mercury is the closest planets to the sun. मर्क्यूरी जो है वो सबसे पास में है. क्लोजेस्ट मीन्स सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है उसका नाम है मर्क्यूरी. इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट भी मर्क्यूरी है और सबसे पास भी मर्क्यूरी है. देन सेकंड प्लैनेट इज वेनस. वेनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन. दूसरे नंबर पे जो प्लैनेट्स है वो सन के दूसरे नंबर में जो प्लैनेट से वो कौन सा है? वेनस. इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. व्हाई? इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट. ब्राइटेस्ट मीन्स उजाला जो देता है, जो चमकदार रहता है उसको बोला जाता है ब्राइटेस्ट प्लैनेट्स. देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार. इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? इवनिंग स्टार के नाम से भी वेनस को बोला जाता है. इट इज वेरी हॉट. और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा हॉट वेदर है. देन we have to see the number third planet is earth. जहाँ पर हम रहते हैं earth. Earth is the third planet from the sun. It is the only planet which support life. Earth एक ऐसा planet है जहाँ पे क्या है? Life है. Life means जो हम लोग यहाँ पे जिंदा रहते हैं, जितने भी living things है वो सभी कहाँ पर रहते हैं? Earth में. Why? इसका क्या reason है? Why this only planet this support the life? Because it is also known as the blue planets. इसको blue planet के नाम से भी जाना जाता है. Why? इसका भी एक reason है. Because 70% of the water covered is the earth. पूरे earth में 70% पानी है. Earth के पूरे surface पर क्या है? 70% water से हमारी earth covered है. And the earth is only planets on which water exists in liquid form. और earth ऐसा only one planet है जहाँ पर
हमें पानी लिक्विड फॉर्म में मिला है। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, लाइफ को सपोर्ट करती है एंड इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। देन मार्स, मार्स ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट्स। वी हैव टू सी इन दिस पिक्चर, दिस इज नॉट अ रेड प्लैनेट्स। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये रेड कलर का तो नहीं दिख रहा है, बट इसको रेड प्लैनेट क्यों बोला है, तो इसका एक रीज़न है रोमन गॉड वॉर, रोमन गॉड वॉर के नाम से इस प्लैनेट को जाना जाता है। दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस प्लैनेट रेड प्लैनेट्स। इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट्स ऑफ द सन इन द सोलर सिस्टम। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। देन जुपिटर, जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। जुपिटर इज द फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट इज लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, एंड सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी। देन सैटर्न, सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सैटर्न इज द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इज सैटर्न इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ रिंग अराउंड इट। इसके सिस्टम कैसे, लाइक रिंग अराउंड हिम। देन यूरेनस, यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस इज द सेवंथ प्लैनेट। नेपच्यून, नेपच्यून इज द एट प्लैनेट्स, इज द फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन इन अवर सोलर सिस्टम। फार्थेस्ट मीन सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से, वो है नेपच्यून पेरेंट प्लैनेट्स। ओके, सो नाउ वी हैव टू सी अबाउट द एट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस, यू ऑल आर रीड दिस सेवन प्लैनेट्स एंड देयर इंफॉर्मेशन।